नमस्कार, डीएनएन में आपका स्वागत है। नेता, नियत और नीति, सवाल तो पूछेंगे। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है और हम पब्लिक एजेंडा में यही चर्चा कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति क्षेत्र की जनता के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, ऐसा लगता है कि राजनीति सिर्फ वोटों के लिए की जाती है, सह और मात के लिए की जाती है। जितने बड़े बड़े घोटाले थे, जिन घोटालों में लंबे समय से ये पूरे देश देख रहा था और देश को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, जनता को आश्चर्य हो रहा था कि जिन मुद्दों पर दिग्विजय सिंह जी को भ्रष्टाचारी कहकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, 15 साल में कभी भी कांग्रेस की एक भी किसी भ्रष्टाचार को सिद्ध नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह जी सरकार पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप मोदी सरकार ने के पहले लगे थे, मोदी सरकार 5 साल रही, किसी को कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश में भी जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान को भारी भ्रष्टाचारी कहती थी, कहीं ना कहीं जब उन मुद्दों पर बात आती है तो चाहे वो किसान गोलीकांड हो, चाहे ई टेंडरिंग घोटाला हो, चाहे सिंहस्थ घोटाला हो, या पौधों का, नर्मदा के किनारे पौधे लगने का हो, इन सब मुद्दों पर विधानसभा में क्लीन चिट दे दी जाती है इन्हीं कमलनाथ जी की सरकार के मंत्रियों द्वारा। अब अचानक कोई छापा पड़ता है, आईटी की रेड होती है और रेड के बाद जो स्थिति बनती है, अचानक जागते हैं और हम कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ये कहते हैं, ये तो हमारे घोषणा पत्र में पहले से था, ये तो हमारे वचन पत्र में था, अब हम कर रहे हैं। कहां तक जाएंगे हम? क्या जो भ्रष्टाचार हुआ है वो बिल्कुल शांत पड़े रहते अगर उस पर छापा नहीं पड़ता? और जो छापा पड़ा, जब आंच मुख्यमंत्री की तरफ जाने लगी, तो उन्होंने ये कहा कि अब हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। आज अभी हम जब आपसे चर्चा कर रहे हैं, इस समय छापा उस कंपनी के ऑफिस में छापे की कार्रवाई चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जो साल भर पहले हुआ था। एक सीनियर एसीएस स्तर के अधिकारी ने जिस भ्रष्टाचार को उजागर किया था, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ था। हम इसी पर चर्चा करेंगे पब्लिक एजेंडे में। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर आगे। मंत्री कमलनाथ के करीबी सहयोगियों पर आयकर छापे के बाद केंद्र राज्य में टकराव की शुरुआत हो गई। छापे के 3 दिनों बाद प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अहम फैसले लेते हुए शिवराज सिंह सरकार में हुए सभी ई टेंडर की जांच खोल दी। प्रदेश सरकार ने आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू के जरिए तत्कालीन अफसरों और नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसका प्रमुख आधार कमलनाथ सरकार की उस जांच को माना जा रहा है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर ई टेंडर में घोटाला होने की बात सामने आई थी। बताया जा रहा है कि इन ठेकों में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक ये करीब 3000 करोड़ का घोटाला है। पीसी शर्मा ने इशारों ही इशारों में कहा कि गुनहगारों को कमलनाथ सरकार उन्हीं सही जगह पर पहुंचाएगी। ई टेंडरिंग में 3000 करोड़ का घोटाला है और इसकी जांच होगी। इसमें बहुत बड़े बड़े जो बीजेपी के मंत्री रहे हैं, इन सब के नाम आ रहे हैं और एक एक को बेनकाब भी किया जाएगा और जहाँ जगह उनकी होना चाहिए वहाँ पहुँचाया जाएगा। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सब पेपर में आई, 4-5 सब नाम हैं, सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जितने भी अवैध कार्रवाइयाँ हुई हैं इन 15 सालों में, सबकी जांच होगी। कहीं बड़ी बड़ी अवैध बिल्डिंगें बना ली हैं, कहीं अवैध उत्खनन हुए हैं, ई टेंडरिंग घोटाला है, वहाँ उज्जैन के कुंभ में महा घोटाला है। इस मामले पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। पार्टी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस कार्रवाई से वो डरने वाली नहीं है। पार्टी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने इस कार्रवाई के पीछे अफसरों पर गैर कानूनी दबाव बनाने की बात कही है। देखिए, कमलनाथ जी ने सरकार को धन उगाही का संयंत्र बना लिया है। पहले ट्रांसफर उद्योग के जरिए अरबों की उगाही की, परिवहन के जरिए सड़कों पर खुलेआम नागरिकों के साथ लूटपाट की, और जबकि ये सारा का सारा अवैध पैसा इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया है, तो टेंडरिंग से जुड़े हुए अफसरों और इंजीनियरों को ब्लैकमेल करने की नीयत से एफआईआर की धमकी दी जा रही है। अगर इस तरह का कोई अवैध धन या अवैध काम हुआ है तो कमलनाथ सरकार को पिछले 4 महीने में कार्रवाई करनी थी, अभी भी कार्रवाई करके दिखाएं, उनमें दम है तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके जरिए वे इंजीनियरों और अधिकारियों पर ब्लैकमेलिंग करके दबाव बनाकर अवैध वसूली करना चाहते हैं।
आपको बता दें कि तत्कालीन प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने ई टेंडर घोटाला पकड़ा था, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को एनालिसिस रिपोर्ट के लिए 13 हार्ड डिस्क भेजी थी, जिसमें से 3 में टैम्परिंग की पुष्टि हो चुकी है। यह भी चर्चा की कि इसकी जांच का आंकड़ा 3000 करोड़ से बढ़कर 80000 करोड़ के टेंडर तक जा चुका है। इस घोटाले में कथित तौर पर तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के करीबी नौकरशाह राडार पर है। इधर ईडब्ल्यूओ के एडीजी एन तिवारी ने बताया कि 5 विभागों यानी कि 7 कंपनियों और अज्ञात नौकरशाहों के साथ राजनेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन पहले और मध्य प्रदेश में वोटिंग से 3 हफ्ते से भी कम समय पहले हुए हैं। कांग्रेस सरकार की इस कार्रवाई से युद्ध जैसे हालत बन चुके हैं। वहीं चुनावी मैदान में एक और राजनीतिक मोर्चा खुल गया है। मध्य प्रदेश में या देश में आम जनता की क्या समस्या है, आम जनता को क्या चाहिए, चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो सिर्फ तुमने अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करवाई है, केंद्र सरकार ने अगर कार्रवाई की है, तो हम आपके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। यह वह देश है, यहाँ ऐसे राजनेता हैं जो चुनाव के समय ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाते हैं, और चुनाव के बाद जनता जब उनके आरोपों से प्रभावित हो जाती है, उसके बाद अदालत में जाकर क्षमा मांग लेते हैं। मध्य प्रदेश के भी कई नेता जिस तरीके से मानहानि के मुकदमे करते हैं और बाद में राजीनामा कर लेते हैं। एक कहावत है, मौसेरे भाई आगे का मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इसी तरीके से जुड़ी हुई है। किसी ने कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है, इसमें भी नौकरशाह इन्वॉल्व है। जब जिस समय यह घोटाले की बात की जा रही थी, उस समय के बाद अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में कांग्रेस ने भी ये कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, और जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज यहां तक पहुंची है, सत्ता में आई है, वही मुद्दे विधानसभा में उन्होंने क्लीन चिट दी थी उनके मंत्रियों द्वारा। फिर ये जो हो रहा है, क्या सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री राकेश शर्मा जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में युवा अच्छे, बहुत अच्छे वक्ता हैं मिथुन अहिरवार जी, हम उनका स्वागत करते हैं। शिखर वाणी अखबार के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश शर्मा जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले सुरेश जी के पास आना चाहते हैं। सुरेश जी, आपने 10 साल पहले 15 साल पहले भी जो स्थिति थी वो देखी है, और इन 15 सालों में और अभी 2018 का चुनाव भी देखा, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है या कुछ किसी के खिलाफ कभी कार्रवाई हो पाएगी? सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि सिकंदर ने पोरस को जीत लिया, और जीतने के बाद बंदी बनाया, बंदी बना करके जब ले गए तो उन्हें सिकंदर के दरबार में उपस्थित किया गया। सिकंदर ने पोरस से पूछा, भाई तेरे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है वो। और सिकंदर ने कहा कि तो ठीक है, फिर सिंहासन पर बैठ जाइए आकर के, और उन्होंने उसको सिंहासन पर बैठा लिया। मैं उस समय का साक्षी हूँ जब 14,000 करोड़ रुपए का एक आरोप पत्र जारी करके दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाए गए, लेकिन एक भी आरोप की जांच नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि जांच करने के लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने दबाव नहीं डाला होगा सरकार पर, मुझे याद है कि दबाव डाला है, इसके बावजूद भी जांच नहीं हुई। अभी भी वचन पत्र में ये सारी बातें आई थी, लेकिन ये सेटिंग कहां बिगड़ी? हम तो चाहते हैं कि ऐसी सेटिंगें बिगड़ती रहें, और यदि बिगड़ती रहेंगी तब जो ये रात के अंधेरे में जो अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, अपनी सुविधाओं के लिए सारी सब जुटा लेते हैं, आप और हम कमाने वाले व्यक्ति जो है वो आयकर भरते हैं, लेकिन ये माननीय नहीं भरते, इनकी इनको इतनी सुविधाएं और रियायतें मिलती हैं जो रियायतें हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आज हम यदि किसान का छोटा सा कर्जा माफ करने के लिए शोर मचाते हैं कि अव्यवस्था हो जाएगी, गरीब आदमी को रियायत देने के लिए जब कोई बात आती है तो हम शोर मचाने लग जाते हैं कि हम तो इनकम टैक्स पेयर हैं, हमारा पैसा इस गरीब आदमी को क्यों जा रहा है? लेकिन किसी भी इनकम टैक्स पेयर ने आज तक नहीं कहा कि ये माननीयों को इतना भारी भरकम सुविधाएं, भत्ते की छोड़ दीजिए, क्यों मिल रही हैं? कोई नहीं उठाता, सब चीजें फ्री हैं इनकी जीवन भर के लिए। एक दिन पार्लियामेंट असेंबली में चला जाता है आदमी तो मालूम चला कि उसको जीवन भर के लिए मुफ्त की सुविधाएं मिलना चालू हो जाती हैं, यात्रा की वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। केवल एक चीज जो हुई है कि ये क्यों आयकर का छापा पड़ा, ये बहुत शोध का विषय है पत्रकारों के लिए, और जब शोध का विषय है तब ये सारी चीजें हुई।
देखिए, मैं एक चीज इस सारे मामले में मानता हूं, और भैया बैठे हैं बहुत अच्छा बोलेंगे, दोनों भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं, ये अपने तथ्य बताएंगे, लेकिन चूंकि आपने मुझे पहले कहा इसलिए मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूं। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि कमलनाथ सरकार के स्थायित्व में सबसे बड़ी बाधक जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि आप उस FIR को पढ़िए शिशिर जी, उस FIR में बहुत ज्यादा गलतियां हैं। मैं टेक्निकल दो बातें कह दूंगा, उसके बाद तो डिबेट तो नेता लोग करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि EOW जो है वो आर्थिक अनियमितताओं या आर्थिक विवाद को लेकर के अपनी जांच करता है। इस सारे मामले में आरोप तो है कि 3,000 करोड़ का या 80,000 करोड़ का या फला का जो है टेंडर जारी हुए, लेकिन वो टेंडर काम ही नहीं हुआ, उन टेंडरों पर कोई भुगतान नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जो जांच रुकी थी। देखिए, टेम्परिंग का मामला है, टेम्परिंग में यह है कि उन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन जब संज्ञान में आया तो टेंडर निरस्त हो गए। तो एक तो सबसे बड़ी बात हमको ये लगती है कि जब पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं है, अब यदि मान लो इस जांच में ये लेन देन निकल आता है जो हम लोगों को नहीं मालूम चल पा रहा मीडिया के लोगों को, तब एक बात आएगी तो उसमें पकड़ में आएगा कि हाँ, यदि टेंडर जारी हुए हैं, टेंडर के अगेंस्ट में काम हुआ है, टेंडर्स के अगेंस्ट में भुगतान हुआ है, तब समझ में आएगा कि गड़बड़ हुई है। एक दूसरी बात यह है कि EOW जो है वो काल्पनिक जांच नहीं करता। इस सारे मामले में पहली बार मैंने पढ़ा है, आपने भी पहली बार गौर किया होगा, कि अज्ञात राजनेताओं और अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। तो ये पुलिस महकमा थोड़ी है कि उसको जानकारी नहीं है, इनके पास तो एक विधिवत शिकायत जाती है EOW के पास, तो कि भाई अमुक व्यक्ति ने अमुक गड़बड़ियां कर दी है, आप इसकी जांच करिए और FIR दर्ज कराने की। आर्थिक जो मामले होते हैं, आर्थिक हाँ, ये उससे जुड़ा ही नहीं है, तो ये इससे जुड़ा ही नहीं, संभावनाओं पे कैसे होगा, चलिए अज्ञात का नाम कैसे हो सकता, तो अज्ञात नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार की एक अच्छी नीयत होगी कि किसी भी घोटाले की जांच करा करके वो दोषियों पर कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उस सारे मामले में फिर शामिल है इसलिए। अब मैं तीसरी बात कह रहा हूं, तीसरी जो सबसे गंभीर बात है वो ये है कि ये टाइमिंग का सवाल है। देखिए, राजनीति जो है वो परसेप्शन और टाइमिंग दो चीजों पर निर्भर करती है। दिल्ली की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर या वित्त मंत्री के इशारे पर जांच करने आए होंगे, लेकिन वो सक्सेस होकर के लौटे हैं। राजनीतिक संभावनाएं देख सकते हैं हम मीडिया के लोग कि केंद्र की सरकार ने दुर्भावनापूर्वक जो है मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए सब किया होगा, लेकिन करने में वो सक्सेस हुई है, वो पैसा लेकर के गई है, उसने बड़ा ट्रांजेक्शन, क्योंकि देखिए मैंने एक बात कही थी जो शायद कोई पत्रकार नहीं बोल रहा, मैंने ये कहा था कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो विंग है जिसने प्रेस नोट जारी किया है जी, उसको ये बताना चाहिए कि तुगलक रोड पर पैसा गया था और तुगलक रोड से किसी राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय स्पष्ट तो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत तरीका है जी। आप जो है कैसे बता सकते हो कि तुगलक रोड गया और फिर वहां से एक पार्टी के मुख्यालय गया, अरे आप सीधे सीधे बोलिए ना कि वहां वहां गया, आप राजनीतिक बात क्यों, ये टाइमिंग का मामला होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो टाइमिंग चुनी है उसमें ये संदेह जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है आपस में सामंजस्य बिगड़ गया है, मसला मामला ठीक नहीं। ओके राकेश जी, जैसा कहा, आपको क्या लगता है, अंदर अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था, कहां गड़बड़ हो गई, नहीं तो जो हुआ है ये तो अंदर नूरा कुश्ती तो चलती रहती है, और चुनाव का टाइम आया तो फिर वो स्थिति, कहां गड़बड़ हुई आप लोगों से, मैनेज क्यों नहीं कर पाए आप लोग? मेरा एक निवेदन है शिशिर जी, जी जिस तरह की भाषा का उपयोग आप कर रहे हैं जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी, माफी चाहता हूँ मैं आपसे सहमत, बिल्कुल बिल्कुल जी, पर माननीय शर्मा जी ने जो बात कही जी, उसके बाद ये पूरी डिबेट खुल के सामने आ गई जी, कि ये मामला क्यों चल रहा है और क्यों नहीं चल रहा है जी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आदर्श आचार संहिता के बारे में कांग्रेस के लोग पिछले 5-6 दिन से लगातार बोल रहे थे जी कि आदर्श आचार संहिता लगी है तो IT की छापे क्यों पड़ रहे हैं और क्यों नहीं पड़ रहे हैं। अब वो आदर्श आचार संहिता शायद मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगी, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगी, ये प्रदेश सब वहां आते हैं जो भारत की सीमा में नहीं है जी, तो यहाँ आदर्श आचार संहिता नहीं लगी। एक चीज, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती, जो आप बताना चाहते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात जी, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि आईटी के जो छापे पड़े वो केंद्र में जो एजेंसी उसने मारे। आज आदर्श आचार संहिता लगी है तो मोदी जी की और जेटली जी की बात क्यों विभाग सुनेगा, नहीं तो यहां भी कमलनाथ की बात क्यों सुनेगा। एक सेकंड तो सुनिए, आपकी उस पर बाइट चल रही थी जी,
ऋषि शर्मा वरिष्ठ मंत्री हैं, हाँ। कहने लगे बिल्डिंगों की भी जांच कराएंगे, हाँ। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की सभा में कहा कि जो नोट पकड़ाए वोट खरीदने के लिए पकड़ाए, कैसे पता चल गया उनको? मेरे को बोल तो लेने जी, बोल तो लेने, आपने शायद दिग्विजय सिंह जी की बाइट सुनी ना, सुनी ना, क्या बोला था दिग्विजय सिंह ने, आप ही बोल दीजिए अपने मुखारविंद से। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो कहा है जी, ये कहा कि नहीं कि चुनाव में पैसे की जरूरत होती है जी। दिग्विजय सिंह कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता कांग्रेस की नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव है, सांसद है, जिसके यहाँ छापा पड़ा वो कहता है मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। देखिए तो मेरी बात सुनिए जी, अगर वो कह रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता हूँ तो तकलीफ कांग्रेस को क्यों हो रही है? और कपिल सिब्बल को क्यों बुलाया जा रहा है? क्रिस्टियन मिशेल 36,000 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड में पकड़ाता है, तुरंत कांग्रेस उसको वकील क्यों उपलब्ध करा देती है? और जितने भी बड़े बड़े घोटाले होते हैं कपिल सिब्बल साहब क्यों पहुंच जाते हैं? किसको बचाना चाहते? अगर कुछ नहीं किया, हाँ। शिशिर जी मैंने अगर कुछ नहीं किया होगा, हाँ। तो मुझे कपिल सिब्बल की जरूरत क्यों? उनको अपना राय नहीं रखना चाहिए? नहीं, रखिए ना, हाँ। रखिए ना, रखिए ना, कौन मना कर रहा है? हाँ। मध्य प्रदेश में विवेक तनखा जैसे बड़े वकील हैं, हाँ। गुप्ता जी जैसे बड़े वकील हैं, हाँ। आप कपिल सिब्बल को बुलवा रहे हैं दिल्ली से, जो सेकेंडों में अपना चार्ज लगाते हैं, इतने लाखों करोड़ों की उनको फीस देने के लिए आपके पास पैसे क्या आ रहे हैं? कौन से धन्ना सेठ हो आप? हाँ। एक मामूली से सरकारी कर्मचारी कांग्रेस को बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी बात, दूसरी बात, अरे नहीं, अब आप मुझे जबरदस्ती बीच में रोक रहे हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव आचार संहिता लगने के बाद टेंडर जारी किए गए, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही करना चाहिए, इस पे आपको कार्रवाई करना चाहिए। हमें, हम कोई कार्रवाई नहीं, क्यों आप इलेक्शन कमीशन जाइए, तो आपसे जारी कर दिए। अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, प्रश्न तो आप कर रहे हैं, हमारा भी हक है कि हम आपसे पूछे। हाँ, हाँ, तो ये गलत है। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है? कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि जितना चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करा था वो सब जब्त हो गया, अब पैसे की आवश्यकता है, तो वो फोन करेंगे शिशिर जी आपका इस लिस्ट में नाम है, जरा जल्दी से आ जाइए, जरा आप बयान दे दीजिए। आपकी सरकार में ऐसा होता था? अरे सुनिए तो, सुनिए तो, मेरे विद्वान साथी ने कहा ना कि इतिहास में पहली बार ऐसी एफआईआर दर्ज हो रही है जिसमें अज्ञात अधिकारी, अज्ञात कर्मचारी, अज्ञात नेता। तो आपके यहाँ से कुछ कहा होगा? मत बोलिए, आपको, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज के लीडिंग अखबार को उठाइए, हर अखबार में क्या लिखा है कि आईटी के छापे पड़े और कमलनाथ सरकार ने पलटवार किया। अखबार लिख रहे हैं भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के अखबार नहीं है, और सभी लीडिंग अखबार उठा लीजिए, तो आप पलटवार करिए, जनता को जवाब दीजिए। मेरा एक और कहना है, भ्रम फैलाने के अलावा कांग्रेस कुछ नहीं करती। पिछले विधानसभा चुनाव में कहा कि 50 लाख वोट फर्जी है, सरकार कैसे बन गई कांग्रेस की भैया? 50 लाख वोट फर्जी मतलब तुमने बनाए थे क्या 50 लाख वोट फर्जी? चलिए हम आ रहे हैं आपके पास मिथुन जी, हम कुछ बोले समझ आएगा, आप जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहली बात, बार बार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो पहली संस्था जो हमने चुनी, राज्य सरकार ने चुनी जिससे कि वेरीफाई करवाया, वो संस्था है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि केंद्र सरकार की एक मिनिस्ट्री है। टाइमिंग गलत क्यों आपने? मैं बिल्कुल, आपके ऊपर छापा पड़ता है मध्य प्रदेश में, तब आप ये, अब क्यों याद आया आपको ई टेंडरिंग घोटाला? देखिए शिशिर जी, फरवरी में हमने सीईआरटी को ये रिपोर्ट भेजी थी, और उसके बाद जब सीईआरटी ने ये कंफर्म कर दी, क्योंकि हमें पहले ही अंदेशा था कि जिस समय हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको इसी तरीके से कहेंगे कि हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई काम कर रहे हैं। मैं दो उदाहरण आपको दे देता हूं, इस कार्रवाई को तो आप छोड़ दीजिए, इनके जो एक विधायक हैं दिलीप सिंह परिहार जी, वो अभी इस समय जेल में है। किस लिए जेल में? आचार संहिता उल्लंघन के मामले में। तो इस समय यदि अगर केंद्र में हमारी सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमने इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश दिए थे कि दिलीप सिंह परिहार जी को जेल भेज दिया जाए। आज ही, कल ही इनके विधायक जालम सिंह जी जेल गए हैं, तो अब जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का भी यह धर्म हो जाता है कि बोलें कि हमारी पुलिस ने उनको जेल भेजा, जबकि प्रकरण उनका पहले का दर्ज था। इनके नेता संजय यादव जी के यहां से पिस्टल मिलती है, 10 पिस्टल हैं 17 ग्रेनेड मिलते हैं, उसमें भी ये हम पर आरोप लगाते हैं, तो ये लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे 2 साल पहले जी, नहीं वो ठीक है जी, वो जाने के बाद ही उनको कुछ ऐसी गंगा में बहता हुआ संस्कार मिला ना, भारतीय जनता पार्टी से जो संस्कारों का रस बहता है, जिसको पी करके इनके नेता 4 सेकंड में 7 जूते मारने लगते हैं, आईएसआई के कॉल सेंटर चलाने लगते हैं, तो वहां जाकर के कुछ तो होना था। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जिस इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस टेंडर के लिए कार्रवाई की, उसके लिए कंप्लेंट पिछले साल भी हमने की थी 2006 में। ये अगर नियत साफ होती, हाँ, तो रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा या वो जो
पीएचई मंत्री थी या जो आईएएस अधिकारी थे उनके खिलाफ नामजद क्यों नहीं होती? अगर आपकी बात नियत साफ होती, बिल्कुल आपकी बात ठीक है शशि जी, लेकिन बिना कोई प्रमाण सामने रखे, अगर हम लोग पहले ही किसी के नाम डाल देते तो आपको जो मीडिया का एक सेक्शन है और जो भारतीय जनता पार्टी भी है वो भी यही बात कहते हैं कि हमने पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई की, अभी भी कह रहे हैं, लेकिन जनता के सामने हम ये बिल्कुल पक्ष रख रहे हैं कि जो हार्ड डिस्क हमने वेरीफाई करवाई है इन्हीं की केंद्र सरकार की एक संस्था से करवाई है, तो ये हम पर आरोप ना लगाए कि हम लोग इनको फंसा रहे हैं। साथ ही साथ जो जिन नेताओं की आपने बात की बहुत संभव है उनके भी नाम आए, लेकिन उनमें से एक जो मंत्री है कुसुम महेंदले जी, उनका आज का बयान देखिए, उन्होंने कह दिया कि इसमें शिवराज सिंह जी भी इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी घबराहट होने लगी है कि जो सबूत हमने इकट्ठे किए हैं वो बिल्कुल वेरीफाइड सबूत हैं। और हमारे साथी आदरणीय रमेश सुरेश शर्मा जी ने जो बात कही कि ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं है, तो मैं आपको दो चीजें बता दूं। पहली चीज कि 2018 में शिवराज सिंह जी ने जो एमपीएससी डीसी संस्था है उसको आईटी एक्ट से बाहर कर दिया था सेक्शन 70 के तहत, मतलब आईटी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती, तो सबसे पहली बात तो उस बात को भी हमने संज्ञान में लिया है। साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के तौर पर, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं मैं आपको बता सकता हूं, इकोनॉमिक ऑफेंस ये इसलिए होगा क्योंकि जो टेंडर आपके द्वारा दिए जा रहे थे उसमें से 9 टेंडर हमने इसी बात पर रद्द कराए थे पिछले साल कि जो टेंडर देने की प्रक्रिया है उसमें 5 कंपनियों को ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए उनकी बिड को बाकी बिड से कंपेयर करके बढ़ा दिया गया है, तो ये तो हमारी कंप्लेंट पर जो कार्रवाई की गई थी उस कारण ये टेंडर रुक गए, नहीं तो ये टेंडर का पेमेंट भी हो जाता। और जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन की बात आप करते हैं तो उसमें कोई नोट एक हाथ से लेकर के दूसरे व्यक्ति को नहीं देता, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में भी अगर आपके बैंक से 100 रुपए कट जाते हैं बिना आपकी अनुमति के तो वो भी एक इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, आईटी एक्ट का भी उसमें प्रावधान होता है। और इसी के तहत इंजीनियर मिथुन अहिरवार जी, आप आईटी विशेषज्ञ हैं, आपको लगता है कि प्रथम दृष्टा जो तथ्य मिले हैं उनके साथ ही अगर उसमें मंत्री जिन जिन विभागों के मंत्री इन्वॉल्व थे, जो आईएएस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, अगर हमारी नियत साफ होती तो हम उनके नामजद एफआईआर करते? ये जो गोलमोल है, पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दबाव बनाने के लिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं। शिशिर जी, कोई दबाव नहीं है, ये जो हमारा मैनिफेस्टो आया था उसका एक वचन है, इस वचन को हम निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं आपको पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बिल्कुल वादा करके जा रहा हूं कि जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बड़े से बड़े नेता हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, सबके खिलाफ नामजद एफआईआर भी होगी। थोड़ा सा समय हमारी संस्था को दीजिए, अगर हमें दबाव, अगर हमें दबाव डालना होता तो हम नामजद एफआईआर बिना किसी वेरिफिकेशन के कर देते, लेकिन अभी हमारे पास समय की कमी, सबूतों के साथ जनता के सामने आएंगे और जन आयोग के माध्यम से भी लोगों को सजा दिलवाई जाएगी और प्रमाणों के आधार पर भी हम बात करेंगे। सुरेश जी, आपने दोनों मित्रों की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि जैसी नूरा कुश्ती की बात, चूंकि राकेश जी को बहुत खराब लग रहा है, नूरा कुश्ती कहीं ना कहीं नजर तो आती है कि ये जाके इन्हीं के मामलों में, जिन मामलों में ये आरोप लगाते हैं और वहां पे क्लीन चिट दे देते हैं, अभी तक ये शांत बैठे हुए थे, ये जो मामला हुआ है, ये कार्रवाई कई बार केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है लेकिन कभी भी कोई भी कार्रवाई ऐसी सिद्ध नहीं हो पाई जिससे कि अपराधी को सजा मिल सके, चाहे नौकर शाह हो, क्योंकि नौकर शाह भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आपको लगता है कि ये कुछ इनका वो जो आपस की ट्यूनिंग थी वो बिगड़ गई है? राजनीतिक विषय तो इन दोनों मित्रों ने बोले ही हैं जी, पर मुझे ये लगता है कि सरकार की मंशा जो भी है, मेरे ख्याल से किसी ने भी सरकार की मंशा में, हम दोनों ही, मतलब मैंने तो मेरी तरफ से बोला ही नहीं है और भाजपा की तरफ से भी ये नहीं कहा गया कि ये राजनीतिक विद्वेष बस ये कार्रवाई की गई है, ये तो एक सरकमस्टेंसेस का शब्द है जिसको आप जोड़ भी सकते हो और नहीं भी जोड़ सकते हो। टाइमिंग गलत है, मैंने तो टाइमिंग पर सवाल उठाया था और एक बात मैंने कही थी जो शायद मिथुन भाई जो है समझ नहीं पाए उसको, मैंने ये कहा था कि लेन देन यदि हो गया होगा तभी ये आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। वो तो है, अब उन्होंने ये कह दिया कि वो तो ई पेमेंट हो गया और ये हो गया, भाई जिसका ई पेमेंट हुआ ही नहीं है, पेमेंट ही नहीं हुआ है, वो ई पेमेंट कैसे हो गया? और यदि मान लो ई पेमेंट हुआ है, रुक गया यदि आने के बाद कैसा, जब रुक नहीं, पहले ही रुका हुआ था, जब शिकायत, मान लो मैं तो यही कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जब शिकायत की थी और मुद्दा उठाया था, इसके बाद उसकी विवेचना हुई और विवेचना के बाद ये पाया गया कि इसमें टेम्परिंग हुई है, गड़बड़ हुआ है, आप तो गड़बड़ हुआ है तो उसने रोक दिया। सुरेश जी, आप ये तो मानते हैं, एक चीज और सुनिए आप, देखिए शिशिर जी, इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो समझने वाली बात है वो ये है, राजनेता कुछ भी बोलते रहे उनके बोलने का बहुत ज्यादा मायने नहीं होता, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन अधिकारियों को करना है। आप जिस तरीके से मामले को ले जा रहे हैं उसमें सारे अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक श्रीवास्तव जी को लेकर के आए और दूसरे श्रीवास्तव जी को फंसा दो, ये संभव नहीं है। आप मनु श्रीवास्तव को लेकर के आए और मनु श्रीवास्तव को फंसा दो, ये पॉसिबल नहीं है। ये आज 4 दिन उनको मालूम है कि ये सरकारें जो है 15 बरस बाद बदल जाती है,
तो आज हर आदमी आज महसूस करता है। आज यदि हम पूर्व डीजीपी का बयान देखते हैं, उनने आज ही मीडिया को बोला है कि दंतवीन संस्था ये ईओडब्ल्यू क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये केवल जो है शोर मचाने वाला विषय है। और एक बात मैं बताता हूं साहब आपको कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी मुश्किल से लालू यादव फंसा है, बड़ी मुश्किल से, और उसको जेल हुई है। किसी को करते ही नहीं भाई आपस में, ये सब सब इतने मिले हुए लोग हैं, इतना भयंकर वाला इनका जो काकस है, राकेश जी को खराब लग रहा है, नहीं लगे नेताओं के बीच में एक जबरदस्त काकस है भाई साहब। आप अब आप कह रहे हैं तो मैं आपके सामने एक बड़ा मिथुन भाई भी समझे इस बात को। मैंने ये देखा है कि हम जो बोल रहे हैं ना भाषण में, वो तो वास्तव में होता ही नहीं होता है। वो तो जनता को दिखाने के लिए होता है। दो मिनट पहले मुखौटा कहा था मुझे, आप देखिए आप और हम विधानसभा में रिपोर्टिंग करने जाते हैं शिशिर भाई, हम वहां देखते हैं भयंकर आरोप लगाने के बाद पूछते हैं क्यों चाय नहीं पिला रहा, कितना बोला तेरे खिलाफ मैंने। ये जो बाद में अपन सुनते हैं ना, जो ऑफ द रिकॉर्ड अपनी चर्चाएं होती है, आप कुछ सच्चाई कुछ हो रही है, सारे लोग आपस में मिले हुए हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा संभावना। यदि हो जाता है तो मैं अभिनंदन करूंगा। ओके, ना तो राकेश जी आपको डरने की जरूरत है, ना मिथुन जी आपको कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो सिर्फ पब्लिक को बरगलाने के लिए होता है। राकेश जी समय कम है जी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि अभी माननीय जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी की बाइट चल रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि अवैध उत्खनन जिनने किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिशिर जी मैं तो बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है आप इसको मान लें जी, कि आज रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप कोलार रोड पर खड़े हो जाइए, वहां पर रेलगाड़ी चल रही है। मैंने तो सुना था कि रेल की पटरी होती है उस पर रेलगाड़ी चलती है, वहां पर रेलगाड़ी चल रही है। इकट्ठे 16 डंपर निकलते हैं जिन डंपरों पे नंबर तक नहीं रहते जी। और वो हाईवे इतने भरे रहते हैं रेतों से जी। सरकार किसकी है जी। माननीय मंत्री कह रहे हैं जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। अब एक सेकेंड, अब मुझे थोड़ा बोलें, 2-3 मिनट का समय होगा। दूसरी बात, मेरे विद्वान मंत्री कह रहे थे सीएस घोटाले की जांच होगी, विधानसभा में किसने क्लीन चिट दी? आप कह रहे हैं कि नर्मदा किनारे पेड़ों की जांच होगी, आपका मंत्री कहता है वहां तो सब ठीक ठाक है। मेरा एक निवेदन है, किसको गुमराह कर रहा है? मैं तो साफ शब्दों में यहां कहना चाहूंगा, कोई भी दोषी हो, कहीं का भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर उसने जनता के साथ कुछ छल किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। पर इस तरह की नौटंकी करके आप किसको बताना चाहते हैं? मैं तो मेरे विद्वान साथी से कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की बात मत कीजिए, आप तो आज के अखबार उठा लीजिए जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आईटी छापे के बाद कमलनाथ सरकार का पलटवार। आप सभी अखबारों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कुछ दावे प्रतिदावे कुछ तो करिए। क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि पलटवार हो रहा है? अखबार लिख रहा है, अब राकेश शर्मा कह रहा है कि पलटवार हो रहा है, तो आप तो चिल्ला रहे हैं कि राकेश शर्मा को बुरा लग रहा है, और अगर अखबार लिख रहे हैं तो उनको किस चीज का बुरा लग रहा है अखबार वालों को? बिल्कुल, वो तो सच्चाई लिख रहे हैं जो आप लोगों के बीच में चलता रहता है। इंजीनियर मिथुन अहिरवार जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जो मैं बात ट्रांजैक्शन को लेकर कह रहा था वो बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आपने जो बात मेंशन कर दी, अभी राकेश जी जो बात कह रहे थे, तो राकेश जी हम लोग मीडिया की आजादी को लूटने वाले लोग नहीं है। हम किसी पत्रकार को उसके चैनल से नहीं निकलवा देते और खुद का नमो चैनल बिना लाइसेंस के चलवा दें, ऐसे लोग हम लोग नहीं होते। पत्रकारिता की आजादी को संरक्षित करने की भी हमारी जिम्मेदारी। साथ ही साथ अगर आप कल की या आज की हेडलाइंस की बात कर रहे हैं, तो उस दिन की हेडलाइंस भी देख लीजिएगा जिस दिन छापा पड़ा था जो मिगलानी जी थे उनके यहां भी, उस दिन भी अखबार क्या कह रहे, तो उसकी भी आपको अच्छे से जानकारी होगी। रही बात, आपने कहा कि हमने किसी मामले में क्लीन चिट दे दी, राकेश जी पूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 18 फरवरी का मामला है, पूरे के पूरे जो उत्तर हैं अपलोडेड हैं, आप लोग भ्रम फैलाना कृपया बंद करिए। 3 लाइन का उत्तर आप केवल नीचे का नहीं पढ़ते, 3 लाइन का ऊपर का उत्तर पढ़ लेते हैं। बार बार जिस भी मामले में आप क्लीन चिट देने की बात कह रहे हैं, वो सब थी, पिछली सरकार ने क्लीन चिट दे दी थी, हम लोग उससे सहमत नहीं है, आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब जब हम कार्रवाई कर रहे हैं तो आप कहते हैं हम लोग बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक तो स्टैंड रखिए। जब आप इतने दिनों से हमसे मांग कर रहे थे, भैया हम पर इतने आरोप लगाए थे, आप कार्रवाई कब करेंगे, आज जब कार्रवाई हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसकने लगी है, आप लोगों को आपत्ति होने लगी है कार्रवाइयों पर, आप कहने लगे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई है। राकेश जी अभी तो केवल शुरुआत है, 3,000 करोड़ का ये प्रथम दृष्टया घोटाला है, ये 80,000 करोड़ तक ये घोटाला जाएगा। मुझे अनुमति दीजिए कोर्ट करने की कि आप ही के केंद्र की संस्थान बार बार इसको प्रमाणित करेंगी, हम लोग अपनी तरफ से कहीं भी आपको ये मौका नहीं देंगे कि आप हम पर अनर्गल आरोप लगाएं। केंद्र की संस्थाओं से प्रमाणित करवा के आपके नेताओं को इन मामलों में जेल भेजें और इसका परिणाम भी आप शीघ्र ही देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है अगर ऐसा हो जाए। एक सेकंड का समय, एक सेकंड का जी। विधानसभा का सत्र कांग्रेस का चलता है जी,
सरकार कांग्रेस की रहती है और जवाब भारतीय जनता पार्टी के दे रहे हैं। हाँ। जिस तरह से अभी एक मिंटो हॉल में कार्यक्रम रखा था कमलनाथ जी ने जी। और उसमें शिवराज सिंह चौहान की किताबें बांटी गई थी जी, जी। तो ये बहुत अभी 15 साल से सत्ता से दूर थे, बहुत सारे बिगड़ गया है। और हो सकता है कि आप लोगों का आपस में जो मैंने कहा था जो आपको अच्छा नहीं लगा कि आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई है, और नहीं तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इससे जनता को गुमराह करके, खासकर राजनीतिक दल जनता को गुमराह करके और अपने कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश की जनता ये जरूर समझ ले कि सदियों से चले आ रहे हैं और इस तरीके के आरोप लगते हैं कभी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। जैसा कि सुरेश जी ने कहा, एकमात्र लालू यादव को सजा हुई है, इसके अलावा किसी ऐसे बड़े नेता को आज तक सजा नहीं हो पाई, चाहे अरबों के घोटाले कर ले वो। और पिछली भाजपा सरकार ने आज तक कभी दिग्विजय सिंह सरकार के किसी भी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, और ना मोदी जी ने मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार में महाभ्रष्टाचारी सरकार कहा था, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं दिलवा पाए हैं। तो ये नूरा कुश्ती है कहीं ना कहीं। जनता सिर्फ इतना जानना चाहती है कि जो हो चल रहा है उसमें सच्चाई क्या है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्री राकेश शर्मा जी आप जुड़े, आपका धन्यवाद। इंजीनियर मिथुन अहिरवार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शिखर वाणी के प्रधान संपादक सुरेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए डीएनएन पर, नमस्कार।